राजधानी भोपाल से सटी औद्योगिक नगरी मंडीदीप में स्थित दाहोद डैम का जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने निरीक्षण किया है। इस दौरान वे डैम में दो अलग अलग स्थानों पर आई दरार को देखने से नाराज हुए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही मंत्री ने कहा कि अब तक मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया है, इतने दिन से क्या कर रहे थे। वो बोले कि पूरे जलाशय की मरम्मत का एस्टीमेट बनाकर भेजो, मैं स्वीकृति का आदेश देता हूं। आपको बता दें कि पिछले एक पखवाड़े में दाहोद डैम के गेटों में दरार पड़ने से पानी के रिसाव से किसानों की फसलें बर्बाद होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। उसके बाद भी विभाग के अधिकारी के डी ओजा समेत दाहोद डैम के SDO और ठेकेदारों की मिलीभगत से डैम और नहरों का घटिया निर्माण कार्य किया गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर अरविंद दुबे ने अधिकारियों से जलाशय की जलभराव क्षमता, जलभराव की वर्तमान स्थिति सहित विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली है। घटिया निर्माण कार्यों को लेकर ई जल संसाधन विभाग रायसेन ओझा दाहोद डैम के SDO अमलानी इंजीनियरों अमीनों की जमकर खिंचाई की गई है। इसलिए मैं आया हूँ, ये 1958 आपको मालूम लगभग इसकी 25 MCM पानी किसमें है। इसकी 1917 में, 17 में हुई थी ना, 17 में इसका पेच वर्क किया था। पावस 12 गांव है, 225 किसान इससे लाभान्वित।